अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 10 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 है पार्शियल फ्रैक्शंस का, और हमने स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो थी फ्रैक्शंस की। एंड देन हमने फ्रैक्शंस की कुछ टाइप्स को भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था रैशनल फ्रैक्शन को, एंड देन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को पढ़ा था। एंड देन हमने ये सीखा था कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह रिजॉल्व किया जाता है। तो आएं चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जो कि है पार्शियल फ्रैक्शंस का, और हमने कुछ डेफिनेशंस को स्टडी किया था, जिसमें हमने जो सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी फ्रैक्शंस, एंड देन हमने उसकी टाइप पढ़ी थी जो कि थी रैशनल फ्रैक्शन, और रैशनल फ्रैक्शन की फर्दर क्या टाइप्स थी, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उनको रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री ग्रेटर होती या फिर इक्वल होती है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से। अब हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स भी की थी लास्ट टाइम, और हमने ये भी एग्जांपल की थी कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है, उसमें हमारे पास क्या है, सेपरेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, और डिनोमिनेटर में भी जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है। और जब हमारे पास ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री सेम हो जाए, देन ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास 2x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो पहली टर्म आएगी वो है x इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वेयर। अब x की जो पावर आ रही डिनोमिनेटर में हाईएस्ट, वो क्या है, 2 है। तो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2, और न्यूमरेटर में देखा जा सकता है जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो है 1। अब न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल की डिग्री वो लेस है डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से, तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्ट 3 में है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहां पे भी जो न्यूमरेटर है उसमें जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 3, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री भी है 3। अब हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री सेम है, तो ये हमारे पास बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 है 2x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2। अब 2 कैसे आया, जब ये हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास देखा जा सकता है जो पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर में उसकी डिग्री क्या बन रही है, 2 बन रही है, और न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1। अब न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एक्टिविटी है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनको प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो वन बाय वन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेंट, वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइजर विच इज
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हमारे पास सबसे पहले जो डिवाइजर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, बिकॉज हमने ये वाली जो फर्स्ट टर्म है 3x square, इसको खत्म करना है। तो x square into 3 क्या हो जाएगा, 3x square minus x into 3 is minus 3x and 1 into 3 is plus 3। अब हमारे पास यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 3x square minus 3x square कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 3x क्या होता है, x माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4। अब यहां पे देखा जा सकता है 3 हमारे पास क्या है, कोशेंट है, x माइनस 4 इज द रिमाइंडर एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज द डिवाइजर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले कोशेंट प्लस रिमाइंडर विच इज x माइनस 4 ओवर डिवाइजर विच इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 2। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। अब इसी तरह हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे पास डिवाइडेंड आ जाएगा विच इज 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा डिवाइजर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब हमने 6x क्यूब को ख़त्म करना है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ। 2x स्क्वायर इंटू 3x इज 6x क्यूब, माइनस x इंटू 3x इज माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 1 इंटू 3x इज माइनस 3x। इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस वुड ऑल्सो बिकम प्लस। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 6। देन अगेन हम 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 से, बिकॉज यहाँ पे 8x स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। 2x स्क्वायर इंटू 4 इज 8x स्क्वायर, माइनस x इंटू 4 इज माइनस 4x एंड माइनस 1 इंटू 4 इज माइनस 4। यहाँ पे साइंस चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, तो ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। 3x प्लस 4x इज 7x, माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2। तो इसको अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 7x माइनस 2 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर, 3x प्लस 4 इज द कोशेंट एंड 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 क्या है, डिवाइजर। तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले क्या आता है, कोशेंट विच इज 3x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर 7x माइनस 2 ओवर डिवाइजर विच इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है हमारे पास उसकी डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। इस तरह हमारे पास अगर कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो हम उसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं ये तीन फ्रैक्शंस। अब इसमें हमारे पास इन तीनों फ्रैक्शंस में से दो जो फ्रैक्शंस हैं उनके स्टार्ट में प्लस साइंस है और एक फ्रैक्शन के स्टार्ट में क्या है, माइनस साइन है। अब इन तीनों फ्रैक्शंस की हेल्प से हम एक फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और वो कैसे करेंगे, इन तीनों को प्लस करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 4 ओवर एक्स। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को हम प्लस कर देंगे और एक सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 4 ओवर एक्स। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं तीनों के उनका एलसीएम ले लेंगे
एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स, उसको डिवाइड कर देंगे x माइनस वन से, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स, जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स सबसे पहले, माइनस अब क्या करेंगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स को डिवाइड करेंगे x प्लस वन से, देन हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस, अब हम क्या करेंगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स को डिवाइड कर देंगे x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशंस एंड देन एडिशंस और सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर। x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वेयर, वन इंटू एक्स इज एक्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 2x को देन x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर, एंड देन माइनस 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x, देन हमारे पास x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और जब 4 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन से तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब न्यूमरेटर को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने जो तीन फ्रैक्शंस कंसीडर किए थे उनको ऐड करके हमने एक सिंगल फ्रैक्शन बना दिया, तो यहाँ पे ये जो सिंगल फ्रैक्शन बना है 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्या है रिजल्टेंट फ्रैक्शन। और वो जो गिवन फ्रैक्शंस थे जिनको ऐड करके रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनाया था वो क्या थे, 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 1 एंड 4 ओवर x, ये हमारे पास क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस। और इनको कंपोनेंट्स भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे आगे चैप्टर में वो है पार्शियल फ्रैक्शंस की। अब हमारे पास जो आगे एक्सरसाइजेज हैं या जो एग्जांपल हैं उसमें ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारे पास गिवन होगा और हमने उसको यूज करके ये पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होगा उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में, और अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो पहले हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे एंड देन उसको कन्वर्ट करेंगे सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो इसके आगे कुछ रूल्स हैं उनको देखते हैं एंड देन कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पहला रूल जो के है रेजोल्यूशन ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस व्हेन डीएक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब यहाँ पे dx क्या है, dx कहते हैं अगर हमारे पास फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है dx के साथ। तो यहाँ पे रूल देखते हैं, इफ लीनियर फैक्टर ax प्लस b, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक जनरल लीनियर इक्वेशन है, occurs as a factor of dx। अब डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका लेट्स से ax प्लस b क्या है, एक लीनियर फैक्टर है। अब लीनियर फैक्टर का क्या मतलब है, जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 1, या फिर कह सकते हैं पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, तो उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसकी क्या फॉर्म होगी, a ओवर ax प्लस b, और यहाँ पे जो ये कैपिटल a है एक कांस्टेंट है जिसको फाइंड करना होगा।
अगर हमारे पास लेट्स से एक पॉलिनोमियल है एन एक्स ओवर डी एक्स, और डी एक्स हमारे पास क्या है, जो लीनियर फैक्टर्स का मल्टीपल है। अब यहाँ पे जो पहला फैक्टर है वो क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू एंड सो ऑन, ए एन एक्स प्लस बी एन, ये सारे क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, यूनिक है सारे, कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो यहाँ पे एन एक्स ओवर डी एक्स को कैसे लिखा जा सकता है, ए वन ओवर ए वन एक्स प्लस बी वन, बीच में हमारे पास प्लस साइन आएगा, ए टू ओवर ए टू एक्स प्लस बी टू प्लस ए थ्री ओवर ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री अप टू प्लस ए एन ओवर ए एन एक्स प्लस बी एन। और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए वन ए टू ए थ्री ए एन और बीच में जितने भी आ रहे हैं, इनको हमने फाइंड करना होता है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि इसकी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर वन, रिजॉल्व 5x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू पार्शल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो डिनोमिनेटर है या उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी एक्स के साथ, इसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं जो कि दो हैं और दोनों ही यूनिक हैं या फिर दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं। तो सबसे पहले 5x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए जो कि कांस्टेंट है ओवर एक्स माइनस फोर प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट्स हैं जिनको हमने फाइंड करके वापस इसी इक्वेशन में पुट करना है। देन हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इंटू 5x प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 4। अब राइट हैंड साइड पे भी एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लीकेशन होगी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये हमारे पास इसके आ गई है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 से कैंसल आउट हो जाएगा एंड एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ये जो एक्स माइनस 4 है एक्स माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 2 ए प्लस बी एक्स माइनस 4 बी। अब यहाँ पे जो एक्स वाली टर्म्स हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे उनको कंपेयर करेंगे, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे उनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाली टर्म्स को कंपेयर करते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है 5 और राइट साइड पे क्या है ए प्लस बी। ए एक्स प्लस बी एक्स किसके इक्वल है, 5x के, और इसमें हमारे पास क्या है, x एक वेरिएबल है, इसी वजह से इन टर्म्स को कंपेयर किया गया है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं 4 टू ए माइनस 4 बी, इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सी लिख देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4 इज इक्वल टू 2a माइनस 4b। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशन आ गई है इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं एंड ए बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं, जो ये एक्स वाली इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, और इसको माइनस कर देते हैं दूसरी इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a माइनस 4b, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 2 प्लस 4 इज 6 और साथ आ जाएगा b,
बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6/6 विच इज 1। अब हम क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू 1 को जो ऊपर दो इक्वेशंस हैं उनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम पहली वाली में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5 माइनस 1 के, 5 माइनस 1 इज 4, ए हमारे पास क्या आ गया, 4 के इक्वल। अब जो हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी जिसमें जो फ्रैक्शन था उसको हमने लिखा था a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 2, यहाँ पे a एंड b की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे अगेन 5x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 इंटू x प्लस 2, और राइट साइड पे आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 4 ओवर x माइनस 4 प्लस b की जगह आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 2। हमारे पास जो फ्रैक्शन था उसको रिजोल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शंस में, और यही इसका सलूशन है। ये था पहला मेथड। इसका एक और मेथड भी है जो कि कहलाता है जीरोस मेथड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी एग्जांपल को हम जीरोस मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और जो फ्रैक्शन है हमारे पास उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर देंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड, और उसके बाद हमने देखा कि एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह रिजॉल्व किया जाता है, एंड देन हमने रूल नंबर 1 को डिस्कस किया ऑफ रिजॉल्विंग एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ जाएं देन हम उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह रिजॉल्व करते हैं, और ये एग्जांपल हमने जिस मेथड से की थी कंपेयरिंग ऑफ द कोफिशिएंट्स मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एग्जांपल को एक दफ़ा दोबारा करेंगे बाय यूजिंग जीरोस मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।